मुहम्मद ही रसूल अल्लाह है ये जानने वालों, मुहम्मद ही रसूल अल्लाह है ये जानने वालों, दीन इस्लाम का अच्छा बुरा पहचानने वालों, मुहम्मद ही रसूल अल्लाह है ये जानने वालों, दीन इस्लाम का अच्छा बुरा पहचानने वालों, नबी ने कब कहा था, नबी ने कब कहा पत्थर चलाओ बेगुनाहों पर, नबी ने कब कहा पत्थर चलाओ बेगुनाहों पर, मुझे तुम ये तो बताओ नबी को मानने वालों, नबी ने कब कहा पत्थर चलाओ बेगुनाहों पर, मुझे तुम ये तो बताओ नबी को मानने वालों। दोस्तों, आजकल जैसा हिंदुस्तान का माहौल है, मुझे लगता है कि एक बड़े वर्ग के लीडरशिप ने बरगलाया है, बहुत अच्छे से बरगलाया है, क्योंकि उनकी दुकानदारी तभी चलेगी जब हम देशवासी, हम हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे पर पत्थर बरसाएंगे। मैं तो कहता हूँ ये गांधी का देश है कि गफलत में नहीं होश में आओ तो बात हो, गफलत में नहीं होश में आओ तो बात हो, गांधी की तरह रोष जताओ तो बात हो, गफलत में नहीं होश में आओ तो बात हो, गांधी की तरह रोष जताओ तो बात हो, अपने वतन को फूंक करके क्या मिला तुम्हें, मिल्लत का एक चिराग जलाओ तो बात हो, अपने वतन को फूंक करके क्या मिला तुम्हें, मिल्लत का एक चिराग जलाओ तो बात हो। मैं अभी 4-5 दिनों से टीवी पर जितना भी समाचार देख रहा हूँ, टेलीविज़न पर जो भी खबरें देख रहा हूँ, आए दिन कोई अनएक्सपेक्टेड घटना घट रही है, और मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान किया जाता है। दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हमारे देश का जो परचम है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद किसी धर्म का, किसी मजहब का झंडा आता है। तो हम अपनी राष्ट्र की अस्मिता को अगर यूं मटिया मेट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे तिरंगे के बीच से अशोक चक्र गायब करके किसी धर्म का अगर धार्मिक नारा लिख दिया जाता है तो ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ, मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ, मित्रों, चैनो अमन का देश है ये, फिर अमन से ही रहना होगा, चैनो अमन का देश है ये, फिर अमन से ही रहना होगा, पत्थर बरसाने वालों को भी पत्थर सहना होगा, चैनो अमन का देश है ये, फिर अमन से ही रहना होगा, पत्थर बरसाने वालों को भी पत्थर सहना होगा। हुब्बुल वतनी वालों ने ही वतन का झंडा झुका दिया, हुब्बुल वतनी वालों ने ही वतन का झंडा झुका दिया, अपने वतन का जो ना हुआ वो और किसी का क्या होगा। मैं तो कहता हूं नौजवानों, आपको बरगलाया गया है, आपको भटकाया गया है, सियासत की गहरी रणनीति को समझिए, वक्त है लौट आइए, क्योंकि यह हिंदुस्तान है, यह हिंदू और मुस्लिम एक होकर रहे हैं और हमेशा एक होकर रहेंगे, वरना सियासत की चक्की में पिस करके हम सब मटिया मेट हो जाएंगे। मैं 4 मिस्र अंतिम कहता हूं और आप सभी भाइयों को एक विश्वास दिलाता हूं कि चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन, चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन, रहमान का दुश्मन है वही राम का दुश्मन, चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन, रहमान का दुश्मन है वही राम का दुश्मन, मुद्दा गलत बता के लड़ाया गया तुम्हें, वरना यहां पे कौन है इस्लाम का दुश्मन, मुद्दा गलत बता के लड़ाया गया हमें, मुद्दा गलत बता के लड़ाया गया हमें, वरना यहां पे कौन है इस्लाम का दुश्मन। जय हिंद।